हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल बियर्ड एंड हेयर स्टाइल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमालय के नीम फेस वॉश के बारे में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसका रिव्यू, ये प्रोडक्ट कैसा है, सही है या नहीं है, और इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। सो गाइस, सबसे पहले तो ऑनेस्टली हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फेस वॉश इन वेरी जेन्युइन प्राइस रेंज। और इसके ऊपर ही मेंशनड है जो इसका सबसे मेन काम है, प्रिवेंट्स पिंपल्स। और सच में यार ये बहुत ही अच्छा काम भी करता है पिंपल्स हटाने में या स्किन को उनसे बचाने में। तो जिन लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, वो इसे यूज कर सकते हैं। और गाइस, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए है या फिर सिर्फ सॉफ्ट स्किन के लिए है या ऑयली स्किन के लिए है, बट इस फेस वॉश को हर टाइप की स्किन वाले जो लोग हैं वो यूज कर सकते हैं, और ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। और एक चीज़ और कि ये एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, तो आप मेल हो या फीमेल फर्क नहीं पड़ता, आप इसे यूज कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये प्रोडक्ट किन किन चीजों में मेनली काम करता है। तो गाइज, ये जो प्रोडक्ट है आपके फेस के ऊपर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है ये उनको खत्म करता है और आपकी स्किन को दोबारा से प्योर बनाता है। साथ ही साथ ये पिंपल्स को भी प्रिवेंट करता है, जैसे कि हम इस वीडियो में पहले बात कर ही चुके हैं। और पॉल्यूशन की वजह से आपके फेस पर जो बैक्टीरिया आ जाते हैं ये उनको भी खत्म करने में बहुत मदद करता है। और इस प्रोडक्ट की एक और खासियत है कि इसके अंदर कोई हार्श केमिकल्स यूज ही नहीं हुए हैं, तो आप इसको डेली बेसिस पर यूज कर सकते हो, ये आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रुको जरा, सबर करो। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो बेनिफिशियल लगी होगी। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और ये है मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, अगर आप लोग चाहो तो मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और गाइस, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा लेना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।